بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. First of all, I would like to welcome and thank Sheikh Nyan, my friend, coming all the way from Abu Dhabi to attend this function and giving that very knowledgeable and wide-ranging speech. So I want to, first of all, thank you. And secondly, I want to say on behalf of my people, people of Pakistan, the way UAE has stood with Pakistan at a time when we needed friends. And UAE proved that they are a friend in need. They helped us at a time when we faced probably one of our most challenging economic crises. And thanks to the way UAE helped us, and of course Saudi Arabia and China, the three countries that helped Pakistan, we have now managed to stabilize our economy. So I want to tell you, Sheikh Nyan, that my country will never forget the way you stood with us in our times of need. Javed Anwar sahab, aapko main mubarak deta hu, America se aap yahan hain aur aapki taqreer ki abhi main baat karunga jab main students se mukhatib hunga. Main board of governors ko, faculty members ko khaas taur pe, kyunki sab ne kaha tha जब मैं ये खूबसूरत जगह पे आया और मैंने सोचा कि यहाँ एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट बननी चाहिए, और फिर जब मैंने इसकी खूबसूरती देखी तो मैंने सोचा कि यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, तो सब ने मुझे कहा कि यूनिवर्सिटी नहीं बन सकती. और उन्होंने वजह ये दी कि फैकल्टी नहीं आएगी, पीएचडीज आपको नहीं मिलेंगे, कैसे आप यूनिवर्सिटी बनाएंगे. तो मैं आज ख़ास तौर पर अपनी फैकल्टी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. तकरीबन 40 पीएचडी है, 35 पीएचडीज, और बड़ी अच्छी स्टूडेंट टू पीएचडी रेशो है. तो मैं फिर से शुक्रिया इसलिए आपका अदा करता हूँ, और आपको खराज तहसीन इसलिए मैं देता हूँ कि आराम से और भी शहरों के अंदर आसानियाँ होती हैं, ज़्यादा आसान होता है काम करना, पढ़ाना. तो यहाँ आके इस इलाके में नंबर ज्वाइन करना, ये ख़ास बात है. ये एक माइंड सेट शो करता है, एक सोच नज़र आती है, जिस सोच को मैंने हमेशा ज़िंदगी में एडमायर किया. तो मैं आपको फिर से खराज तहसीन पेश करता हूँ. और उसके बाद जो आज ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स के माँ बाप हैं, मैं ख़ास तौर पे आपको, मैं वर्ड यूज़ देख रहा हूँ, खराज तहसीन पेश करूँ या आपकी खुशी में शामिल हूँ, क्योंकि ये बड़ा खुशी का वक्त है कि आपके बच्चों ने एक क्वालिटी की, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की डिग्रीज ली हैं. तो मैं माँ बाप को आज ये कहना चाहता हूँ कि मैं आज आपकी खुशी में शामिल हूँ, और इतना सीरियस ना हो, खुशी बनाओ, खुशी बनानी चाहिए. बच्चों ने इतना ज़बरदस्त काम किया आपके, तो बड़े सीरियस बैठे हुए हैं आप, ये खुश होने का दिन है आज. और उसके बाद एक मैं स्पेशल थैंक करना चाहता हूँ आज टोनी का, टोनी शाय, जो कि लॉस एंजलिस से आए हैं. मैं इसलिए उनको थैंक करना चाहता हूँ कि इन्होंने जो डिज़ाइन बनाया, ये अब ये जगह तो मुझे पसंद आ गई. और एक वो तारिकपुर पेट्रोल पंप वाला, पता नहीं यहाँ आया हुआ या नहीं, हाँ वो आया हुआ तारिक. ये तारिक के पेट्रोल पंप से तहरीक इंसाफ मियांवाली में शुरू हुई थी.
क्योंकि मैं यहाँ कैंपेनिंग शुरू जबकि आज से पता नहीं कितने 20-22 साल पहले, तो यहाँ कोई जगह ही नहीं थी, डेरा तो हमारा था नहीं क्योंकि मैं तो लाहौर में रहता था। तो जब मैं यहाँ कैंपेन कर रहा तो एक दिन उसके ये वो रिखी में पेट्रोल पंप था, वहाँ मैंने गाड़ी में पेट्रोल डलवाना था। तो ये अब तो खैर माशाल्लाह सफ़ेद बाल हो गए, तब ये बच्चा था, तो ये आया वहाँ और इसने मुझे कहा कि मैं तो तहरीक इंसाफ ज्वाइन करना चाहता हूँ। उन दोनों में हमें बड़ा शौक मिलता था कि कोई तहरीक इंसाफ में ज्वाइन करे। तो हमने इसका पकड़ लिया, इसके हाथ उत बुलाया और इसका जो पेट्रोल पंप था वो हमारा सेंटर बन गया। उधर से तहरीक इंसाफ मियांवाली में शुरू हुई और इसी तारिक ने ये जगह मुझे दिखाई, क्योंकि मैं सोच रहा था यहाँ बड़ी बेरोज़गारी थी, मैंने कहा कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट बना दूँ ताकि नौजवानों को रोज़गार मिल जाए। मुंशियात की तरफ जा रहे थे, जुर्म की तरफ, बेरोज़गार बेचारे नौजवान थे, वाइब्रेंसी थी, काम करना चाहते थे लेकिन नौकरियाँ नहीं थी या स्किल्स नहीं थे। तो शुरू तो हुआ ये, तो मैं इसके पास यहाँ पेट्रोल पंप पे हम शाम को गर्मियों में बैठे हुए शाम को यहाँ बैठते थे, तो उधर इसने मुझे कहा कि ये जगह दिखाने को मुझे ले आया। तो तब मैंने ये जब जगह देखी तो मैंने कहा ये टेक्निकल इंस्टीट्यूट बहुत छोटी है इस जगह के लिए, यहाँ एक बड़ी ग्रैंड यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। तो उधर से ये आइडिया शुरू हुआ और वो आज से पता नहीं कितने साल पहले की बात थी। तो लेकिन इसका क्या डिज़ाइन बनना था, ये तो बिल्डिंग बन गई लेकिन मुझे ये समझ नहीं थी कि इसका डिज़ाइन क्या होना चाहिए। तो टोनी ने जो इसका मास्टर प्लान बनाया है, पहली दफ़ा मुझे अब पिक्चर नज़र आई है कि ये इंशाल्लाह ये कैसे पाकिस्तान की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बनेगी, ये सारी जगह एक नॉलेज सिटी कैसे बनेगी। तो मैं टोनी आपका ख़ास शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जब वो मास्टर प्लान देखा तो मुझे बड़ी देर तक वो एक्साइटमेंट रही है, बड़ी अच्छी फीलिंग रही कि पहली दफ़ा एक पिक्चर नज़र आ रही है कि ये क्या बनेगा। मैं सबके लिए, नौजवानों आपके लिए, स्टूडेंट्स आपके लिए एक चीज़ कहना चाहता हूँ, याद रखना अल्लाह ने जब हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है और जब फरिश्तों को कहा था कि इंसान के सामने झुको, तो जब शैतान ने कहा कि मैं आग का बना हूँ मैं नहीं झुकता, तो अल्लाह ने उसको एक चीज़ कही थी, अल्लाह ने कहा था मैंने इनको वो ताकत दी है जो तुम्हें भी नहीं पता। सो हम सब में अल्लाह ने बहुत ताकत दी है, हम सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं हमें पता ही नहीं चलता कि अल्लाह ने हमें अपनी सबसे अजीम मखलूक बनाया है, हमें क्या क्या सिफतें दी हैं, क्योंकि हम उसको, हमें पता ही नहीं चलता, हम कोशिश ही नहीं करते निकालने के लिए वो ताकत। तो जो ताकत अल्लाह ने दी है, मैं आपको आज एक बात बता रहा हूँ कि जो चीज़ आप तसव्वुर कर सकते हैं, जो पिक्चर कर सकते हैं, वो हो सकता है, ये है ताकत आप में। जो आप ख्वाब देख सकते हैं, जो आपके जहन में ख्वाब आती है ना, तो याद रखना कि वो अल्लाह आपको कह रहा है कि तुम ये कर सकते हो। इंसान, जो भी जावेद अनवर ने बात की, इंसान हार मान जाता है, इंसान दिल छोड़ जाता है, लेकिन अल्लाह ने आपको वो क्वालिटीज दी हुई हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मुझे जो खुशी हुई टोनी ने जब ये पूरा इसका मास्टर प्लान दिखाया, तो मुझे अब नज़र आ रहा है कि इंशाल्लाह ये पाकिस्तान का ये जो सबसे पाकिस्तान ने ये इंटरनेशनल लेवल की जो यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, ये नॉलेज सिटी, अब मुझे उसकी पिक्चर नज़र आई है। तो मैं टोनी उस वो जो आपने मास्टर प्लान बनाया है उसका मैं आपको ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। अच्छा, अब मैं अपने पाकिस्तान का फ्यूचर, आपने आज ग्रेजुएट किया तो आपके लिए मैं एक 10 मिनट बस आपको, जो आपका किबला ठीक करना चाहता हूँ। किबला ठीक करना ये बड़ा, जब हम नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह, हम एक किबला अपना पहले सीधा करते हैं, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझने की आपकी कोशिश करनी है। किबले का मतलब आपकी जिंदगी का रोड मैप। कुरान में अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें किसी मकसद के लिए पैदा किया। हर इंसान को अपना मकसद ढूंढना होता है,
जो वो मकसद होता है वो याद रखे हर इंसान के, वो दिल में होता है, दिमाग में नहीं होता। दिमाग जो आपका दिल का जो मकसद होता है, जो दिल आपका कह रहा होता है, दिमाग उस तरफ लेके जाता है। दिमाग जो होता है वो और चीज़ सोचता है, दिल और तरफ जाता है। दिल आपका काम है कि जो मेरा दिल कह रहा है दिमाग को उस तरफ लगाओ वो करने के लिए। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी सिर्फ अपने दिल पे गया हूँ। 9 साल की उम्र में फैसला किया क्रिकेट खेलना है, उसके बाद मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं नहीं खेलूँगा या मैं फेल होऊंगा, कभी नहीं मैंने सोचा। वो मेरा किबला बन गया। फिर उसके बाद हॉस्पिटल किबला बन गया कि मैंने अब ये करना है। फिर पॉलिटिक्स किबला बन गया कि पॉलिटिक्स क्यों, कि पाकिस्तान को वो मुल्क बनाना है जो कायदे आज़म ने जो मुल्क बनाने के लिए जद्दोजहद 40 साल की थी और जो इलामा इकबाल ने एक बड़ा ख्वाब देखा था, तो उसके ऊपर वापस लेके आना है इस्लामी फलाई रियासत, जो कि जो दुनिया की पहली रियासत बनी थी, फलाई रियासत। ये याद रखना, दुनिया की पहली फलाई रियासत जो आज आपको स्कैंडिनेविया में नज़र आती है, यूरोप में नज़र आती है, उस दुनिया की पहली फलाई रियासत मदीना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई थी। और वो उस पर हमारा जो विजन थी इस मुल्क की, नहीं तो देखें वहाँ 200 मिलियन 20 करोड़ मुसलमान आज हिंदुस्तान में हैं। वो उन सारों ने भी वोट दी थी पाकिस्तान को, क्योंकि वो एक तसव्वुर था कि एक ऐसा मॉडल बनाएंगे कि दुनिया को बताएंगे कि असल में इस्लाम है क्या। क्योंकि वो जो फलाई रियासत बनी थी, जो फलाई रियासत मदीना की बनी थी, वो एक दुनिया का एक सबसे कामयाब मॉडल था। उस मॉडल के ऊपर एक वो बुनियाद रखी गई थी जिधर दुनिया का एक सबसे अजीम सिविलाइजेशन बना था, उसके असूल मदीना की रियासत पे रखे गए थे। वो सारे मॉडर्न प्रिंसिपल्स थे, लोग रियलाइज नहीं करते। मैं कई दफा कहते जी 1400 साल की बात ना करें, वो जो 1400 साल पहले प्रिंसिपल्स रखे गए थे मॉडर्न प्रिंसिपल्स थे। और वो याद रखना कि जो भी मुल्क उन प्रिंसिपल्स को अपनाता है वो ऊपर चला जाता है। जो भी, अगर चाइना ने उसका एक प्रिंसिपल के लोगों को गुर्बत से निकालना है, 30 साल पहले चाइना क्या था, कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था चाइना जिधर आज पहुंचा है। लेकिन 30 साल पहले चाइनीज लीडरशिप ने फैसला किया कि हमने लोगों को गुर्बत से निकालना है, और उन्होंने गुर्बत से निकालते निकालते चाइना को आज दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना दिया। 30 साल पहले उनका पर कैपिटा क्या था, हमारे जितना था, जितना आज हमारा है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। आज चाइना का पर कैपिटल $10,000 और उनका जीडीपी 10 ट्रिलियन है। 30 साल पहले उनका $300 बिलियन था जो आज हमारा है। कहने का मकसद ये है कि आज स्कैंडिनेवियन ममालिक के अंदर अगर खुशहाली है, इसलिए कि उन्होंने वो सारे प्रिंसिपल्स अप्लाई किए हुए हैं। एक फलाई रियासत है, अदल और इंसाफ का निज़ाम है, इंसानियत है, और उस पर उसकी वजह से मैं पॉलिटिक्स में आया। तो मैं कहने का मकसद ये है कि जब मैं आया वो बनाने के लिए, तो सारों ने, किसी ने नहीं समझा कामयाब होऊंगा। लेकिन मैंने पिक्चर तब भी किया हुआ था, फिर ये नमल का, फिर जो मेरा फाइनल जो ज़िंदगी का गोल है वो ये कि ये वो इंशाल्लाह मदीना की रियासत के असूलों के ऊपर ये एक अजीम कौम खड़ी होगी जो दुनिया में एक मिसाल बनेगी। हम एक मिसाल बनेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब आपके लिए सबसे पहले आपने अपना किबला सही करना है। दो सवाल, कभी साइंस इन दो सवालों का जवाब नहीं दे सकती कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है और आप जब मरेंगे तो आपको क्या होगा। इसका कोई साइंस नहीं जवाब दे सकती। इसका जवाब है ही सिर्फ दीन के अंदर। अल्लाह की जितने भी मज़हब हैं, जितने भी, उनमें इसका जवाब है। और उसका जवाब ये है कि जब आप कहते हैं, अल्लाह से मांगते हैं नमाज में कि अल्लाह मुझे उनके रास्ते पर लगा जिनको तुझे नेमतें बख्शी, वो रास्ता है आपका किबला।
اور نعمتیں کس کو اللہ نے سب سے زیادہ نعمتیں کسے بخشی؟ اللہ کا حبیب کون تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے ان کی زندگی آپ کو اسٹڈی کرنی بڑی ضروری ہے, کیونکہ ان سے کامیاب انسان آج تک دنیا میں نہیں آیا. جو انہوں نے اچیو کیا دنیا کی تاریخ میں کسی نے اچیو نہیں کیا. میں جب بھی ملتا ہوں بڑی اپنے نوجوانوں سے, کسی نے بل گیٹس کی کتاب پکڑی ہوتی ہے, کسی نے وہ سٹیو جابز کی کتاب پکڑی ہوتی ہے, ٹھیک ہے وہ کامیاب ماڈل ہے, انہوں نے بھی کامیابی کی. کوئی ڈونلڈ ٹرمپ کی کتاب پکڑتا ہے کہ کیسے پیسے بنانے ہیں, تو کامیاب پیسے بنانے کا ماڈل ہے. لیکن جو اللہ قرآن میں آپ کو کہتا ہے کہ نبی کی زندگی سے سیکھو, وہ آپ کی بہتری کے لیے ہے. اللہ تو خود کفیل ہے, اللہ کو تو کوئی کچھ نہیں آپ فائدہ پہنچا سکتے یا نقصان. تو جب وہ قرآن میں آ کے کہتا ہے ہماری بہتری کے, کہتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو, کیونکہ ان سے دنیا کی تاریخ میں آج تک کوئی کامیاب انسان نہیں آیا, نہ ہی آ سکتا ہے. اور اس لیے تو جب آپ اپنا قبلہ صحیح کرتے ہیں ان کی زندگی سے, تو اس کے بعد ہر انسان کو اللہ نے کچھ صفتی ہوئی ہے جو آپ کے دل میں ہے. اپنا جو دل ہے اس کو فالو کرو, کیونکہ جو جنون ہے وہ دل سے آتا ہے. ایک منٹ, جو جنون ہے وہ دل سے آتا ہے. تھوڑی دیر باہر چلے جانا اگر آپ تم بولے, سمجھ گئے؟ تو جو جنون ہے وہ آپ کے دل سے آتا ہے, اس آدمی کو نہیں پتا چلے گا میں کیا باتیں کر رہا ہوں. جو آپ کا جنون ہے وہ آپ کو پروپیل کرتا ہے آگے. ہمیشہ یاد رکھنا, اگر ٹیلنٹ اور جنون کا مقابلہ ہوا, ٹیلنٹ ہمیشہ آگے نکل جنون ہمیشہ آگے, جنون ہمیشہ ٹیلنٹ کو ہراتا ہے. سو جو آپ کا دل ہے, جنون آپ کے دل میں سے نکلتا ہے. سو لہٰذا جب آپ نے فیصلہ کر لیا میں نے کرنا کیا ہے, پھر پلیز ایک چیز یاد رکھیں, اپنی کشتیاں جلا دیں. پھر کوئی واپس جانے کا راستہ نہیں ہے, کیونکہ وہ جو جاوید انور نے ابھی بات کی کیسے یہ گئے, آج یہ اربوں پتی ہیں وہاں, ان کی آئل ویلز ہیں, انہوں نے نئی نئی ٹیکنالوجیز ایجاد کی ہیں. یہ شروع میں نہیں تھی, ان کے بڑے مشکل وقت سے گزرے, لیکن کامیاب کیسے ہوئے؟ انہوں نے کہا میں نے کبھی ہار نہیں مانی. جب تک آپ ہار نہیں مانتے, اللہ نے پھر سے میں آپ کو کہتا ہوں آپ پہ اتنی صلاحیت دی ہے کہ ہر کام آپ کر سکتے ہیں. جو مشکل وقت آتا ہے وہ یاد رکھیں, مشکل وقت آپ کو سکھانے کے لیے آتا ہے. مشکل وقت انسان سیکھتا ہے, مشکل وقت میں سول سرچنگ کرتا ہے, اندر دیکھتا ہے کہ میں نے کیا غلطی کی, کیوں مجھے یہ مشکل وقت آیا, کیوں میں فیل ہوا ہوں, کیوں میں میچ ہارا ہوں, کیوں میں وہ جو کرنے جا رہا تھا میری بزنس نہیں چلی. ہر مشکل وقت آپ کو سکھاتا ہے, اور اگر آپ اس مشکل وقت سے صحیح سبق سیکھ لیں, اور آپ کیونکہ آپ کو تعلیم ملی ہے, ہائر ایجوکیشن ملا ہے, آپ میں تعلیم آپ میں زیادہ آپ کو موقع دیتی ہے, آپ کو ابلٹی دیتی ہے کہ آپ اپنی غلطیوں کو انالائز صحیح کر سکیں. تو آپ کو انالیسس کرنے کے لیے یہ جو آپ کی ایجوکیشن ہے, یہ آپ کو باقی لوگوں سے ایڈوانٹیج ہے. آپ کہ جب آپ کے اوپر مشکل وقت آئے گا تو آپ سوچیں گے میں نے کیا غلطی کی. جیسے ہی آپ اپنی غلطی کو درست کرتے ہیں, آپ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہ ہے پروگریشن زندگی کا, اونچ نیچ زندگی کا حصہ ہے. جو انسان برے وقت سے ڈر جاتا ہے, گھبرا جاتا ہے, ڈیمورلائز ہو جاتا ہے, وہ کبھی اوپر نہیں جا سکتا. اور یہ جو انہوں نے جاوید انور نے دوسری بات کی, جب آپ کے اوپر برا وقت آتا ہے تو کئی دفعہ کوشش انسان سوچتا ہے کہ میں کوئی شارٹ کٹ لے لوں, ڈیمورلائز ہو کے, اچھا میں اپنی مشن سے وہ تو نہیں کر سکتا, چلو میں اسے کچھ کم کر لوں. اصل میں آپ کو ہار کبھی نہیں ہراتی, ہار سے جو ڈیمورلائزیشن ہے وہ آپ کو ہراتی ہے. اور یہ جو انہوں نے بات کی کہ کئی دفعہ جب برا وقت آتا ہے, میں نے کئی بڑے بڑے اب میری زندگی میں بڑے لوگوں نے اچھے کام کیے, بزنسز بڑی بنا دیں, لیکن جب برا وقت آیا تو انہوں نے شارٹ کٹ لینے کی کوشش کی, انہوں نے ایمانداری سے کام نہیں کیا, اور اس نے ان کو ختم کر دیا. سو برا وقت سے کبھی ڈرنا نہ, ایکسپیکٹ کرنا
कि जितना आप ऊपर जाएंगे उतने आपके नीचे भी गिरेंगे, बुरे वक्त आएंगे, लेकिन इससे कभी डरना ना। कामयाबी का राज यह है कि बुरे वक्त को आप कैसे डील करते हैं, कैसे संभालते हैं, कैसे सीखते हैं उससे। और जब तक आप ज़िंदगी में, जब तक आप स्ट्रगल करते रहेंगे और आप आपके गोल्स, एक गोल पे पहुँचे फिर अगले गोल पे चले जाओ, फिर उससे अगले गोल पे चले जाओ, जिस वक़्त आप रुक गए, आपकी ख्वाब ख़त्म हो गई, एम्बिशन रुक गई, इसका मतलब कि आप अब नीचे आना शुरू हो जाएंगे। तो जो अल्लाह ने हमें बनाया है उसने हमारे में सब में ताकत दी है कि जब तक हम अपने आप को चैलेंज करते रहते हैं हम ताकतवर होते जाते हैं, हम बड़े काम करते जाते हैं। एक मैंने किसी को एक दफ़ा कहा कि इंसान तो सिर्फ पैदा हुआ जदोजहद के लिए, सुकून तो सिर्फ कब्र में आता है। तो बड़े लोगों ने मजाक उड़ाया, उनको ये नहीं पता कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इल्म के पीछे जाओ जब से पैदा हुए हो और जब तक कब्र में नहीं जाते। अब इसका क्या मतलब है कि जब तक कब्र में नहीं जाते इल्म हासिल करो, मतलब जदोजहद करते रहो। अगर आपने जदोजहद छोड़ दी इसका मतलब आप इल्म तो नहीं सीख रहे, जदोजहद में इंसान सीखता है। इसलिए ये तो दुनिया के सबसे बड़े लीडर ने कहा हुआ है कि जब तक आप कब्र पे नहीं जाते जदोजहद करते रहो, सीखते रहो। और अल्लाह ने फिर आप पे कैपेसिटी दी दी है, जिस तरह इकबाल ने कहा सितारों के आगे जहान और भी हैं, अभी इश्क़ के इम्तिहान और भी हैं, एक सितारे पे पहुंचो उसके बाद आगे चलो। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ, मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड खिलाड़ी थे, बड़े मेरे से बेहतर खिलाड़ी थे, लेकिन फ़र्क ये था कि मैं पाकिस्तान का बेस्ट ऑलराउंडर बनूंगा, ये मेरा एम था। जब मैं वहाँ पहुँचा फिर मैंने कहा दुनिया का बेस्ट बनूंगा, फिर वो बना, फिर जब कैप्टन बना पाकिस्तान को बेस्ट टीम बनाऊंगा। हमेशा आप ऊपर जाते रहते हैं, तो जितना आप अपने आप को चैलेंज करेंगे, ये मेरी आपके लिए ये याद रखना मेरी बात, आप में से वो आगे दुनिया में जाएगा जो अपने आप को चैलेंज करेगा, जिसके ख्वाब बड़े होंगे, जिसका ख्वाब, जब मैंने कहा ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम कहते हैं अल्लाह उनके रास्ते पर रहेगा जिनको नेमतें बख्शी, उनका ज़िंदगी आसान नहीं थी। किसी जी जो आसान ज़िंदगी ढूंढते हैं, मैं फिर से कहता हूँ कि आसान ज़िंदगी आपकी तबाही है, एक किस्म की मौत है, आपका पोटेंशियल ख़त्म होना है। कॉन्स्टेंट जो आपके लिए, जो उनका, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी भी पैगम्बरों के, सबके मुश्किल रास्ते थे, किसी का आसान रास्ता नहीं था, लेकिन मुश्किल रास्ता ही आपको ऊपर लेके जाता है। वो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की सेइंग है कि आई चोज द पाथ लेस ट्रॉडन अपॉन एंड दैट्स व्हाट मेड द डिफरेंस। ट्रॉडन पाथ पे तो सारे जा सकते हैं, जो भी दुनिया में ऊपर जाता है वो रास्ता लेता है जो बाकी नहीं जा सकते। जब एडमंड हिलरी ने माउंट एवरेस्ट के ऊपर गया तो याद रखिए सारे उससे पहले या मर गए थे ऊपर पहुँचते पहुँचते, या फेल हो गए थे। तो वो भी ना करता कोशिश, क्योंकि लॉजिक, ज़ेहन तो ये बताता था कि लॉजिक तो ये कहती है कि या मर जाओगे या फेल हो जाओगे। यहाँ फ़र्क होता है जो अनट्रॉडन पाथ लेता है, कहता है नहीं मैं कर सकता हूँ, फिर अल्लाह सलाहियत देता है, ताकत देता है। आप जिस तरह चैलेंज करेंगे आप अपने अंदर ताकत ढूंढते रहेंगे। तो मैं आपको सबको आज आपके लिए दुआ करता हूँ कि आप अब पहले अपने आप को उठाएंगे, अपने घर वालों को उठाएंगे और फिर अपने मुल्क को उठाएंगे। शुक्रिया। नमल यूनिवर्सिटी मियाँ वाली की तकरीब तकसीम असनाद और एज़ाज़ात से ख़िताब कर रहे थे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान। इस मौके पर उनका यह कहना था कि रियासत मदीना के उसूल अपना कर दुनिया के बहुत से ममालिक तरक्की याफ्ता हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कामयाब तरीन इंसान इस दुनिया में कोई नहीं आया। मुश्किल वक्त हमें सिखाने के लिए आता है, मुश्किल हालात में घबराना नहीं चाहिए।